पहला निर्णय जो अगर आपको ज्ञात हो, पहले रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर एक बड़ी घोषणा उस समय रसोई गैस के सिलेंडर में 200 रुपए की कीमत की कटौती करके की थी। और मैंने उस समय भी कहा था कि महिला कल्याण के लिए और गरीब कल्याण के लिए बहुत सारे कदम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 9 वर्षों में उठाए, चाहे 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान बनाकर देने हो, तो 75% से ज्यादा तो सीधे महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री, वहीं पर 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों में नल से जल और मुफ्त में इलाज से लेकर मुफ्त राशन से लेकर अन्य योजनाएं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी योजना जिसने एक बहुत बड़ा बदलाव उनके स्वास्थ्य से लेकर उनके रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर किया था, वो था उज्ज्वला योजना। जब रक्षाबंधन के अवसर पर छूट दी गई, 200 रुपये कम किए गए, तब रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1100 से कम होकर 900 रह गई और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये की सब्सिडी एज इट इज चलती रही तो उनको 700 रुपये का पड़ता था। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपये की बजाय अब 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद के रूप में उनको आज का ये निर्णय किया गया है। दूसरा, आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आंध्रा और तेलंगाना के, क्योंकि तेलंगाना के बनने से पहले जब एक आंध्र प्रदेश था तो उस समय 1976 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 811,000 मिलियन क्यूबिक फीट ये पानी देने की अनुमति मिली थी पहले कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के द्वारा। अब वे उद्गम कृष्णा नदी का होता है महाराष्ट्र से, जो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा से होती हुई फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब उस पानी में से जो कुल पानी उसमें से जाता है 4 राज्यों से होकर, उसमें से 8,11,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी अविभाजित आंध्र प्रदेश के हिस्से में 1976 में आया था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने 2004 में कंप्लेंट की केंद्र सरकार के पास और इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंतर्गत फिर सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया और इस ट्रिब्यूनल ने 2013 में अपनी रिपोर्ट तो दे दी थी, लेकिन उस समय आंध्र की सरकार कोर्ट चले गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दी और पब्लिश रिपोर्ट नहीं हो पाई। अब 2014 के बाद तेलंगाना राज्य का गठन भी हुआ और इसके चलते वाटर एलोकेशन नहीं हो पाया। एक बार फिर जब इसके ट्रिब्यूनल को एक्सटेंशन दी गई 31 मार्च 2024 तक, उससे पहले फिर कोर्ट गए जहां पर उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक स्टेट वाइज एलोकेशन करना चाहिए और उस पर भी उनको कोई राहत नहीं मिल पाई। अब की बार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने चारों राज्यों के बीच से गुजरने वाली इस कृष्णा नदी के जल बंटवारे को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग की और सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया। ट्रिब्यूनल ने 2016 में जो इनकी मांग थी वो आंध्र प्रदेश री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत खारिज कर दी थी, इसके रेफरेंस को खारिज कर दिया था। अब जब 2018 में तेलंगाना सरकार ने केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल बंटवारे को सीमित विषय पर भारत सरकार के समक्ष नई कंप्लेंट दायर की है तथा सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी रिट याचिका वापस कर ली, तो इसी परिप्रेक्ष्य में सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल विवाद के बंटवारे के लिए समाधान के लिए नए टर्म ऑफ रेफरेंस देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल अविभाजित आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी से आवंटित जल में से दोनों राज्यों के लिए बंटवारा करेगा जल का, और ये दोनों राज्यों में कार्यरत या निर्माणाधीन या भविष्य के लिए जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट वाइज वाटर एलोकेशन करेगा। तो ये भी तेलंगाना की जो एक मांग थी वो भी आज पूरी की गई उस तरह से।